प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीतिकालीन काव्य संग्रह BA पार्ट सेकंड के कवि देव द्वारा रचित जो ये पद्यांश है, जिसमें श्री कृष्ण और राधा की मने स्थिति का वर्णन किया गया है, उस पद्यांश से आपका हम परिचय कराएंगे या परिचय कराने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं इस पद्यांश को पढ़ देता हूँ। जबते कुमर कान रावरी कला निधान, जबते कुमर कान रावरी कला निधान, कान परी वाके कहूँ, कान परी वाके कहूँ, सुजस कहानी सी तब ही ते देव देखी देवतासी हसत सी, तभी से देव देखी देवतासी हसत सी, रीजती सी खीजती सी रूठत रसानी सी, रीजती सी खीजती सी रूठत रसानी सी, छोई सी छली सी छीनी लीनी सी छकी सी छीन, छोई सी छली सी छीन लीनी सी छकी सी छीन, जकी सी चकी सी लागी थकी ठहरानी सी, बींदी सी बंदी सी विक बूढ़ी सी विमोहित सी, बैठी बाल बकती बिलोकती बिकानी सी। देखो, सबसे पहले मैं इसके शब्दार्थ बता देता हूँ। देखो, रावरी शब्द आया, रावरी का मतलब होता है आपकी। क्या अर्थ होता है? आपकी। बिलोकती शब्द आया है, बिलोकती का अर्थ क्या होता है? बिलोकती का अर्थ होता है देखती है। रिसानी सी कहते हैं क्रोध करती हुई। छोई सी का मतलब होता है विचलित सी, विचलित हो जाती है जो। और छिकी सी परेशान सी, छिकी सी का मतलब क्या है? परेशान सी। जकी सी जिद्दी सी, और थिरकती सी चंचल सी, थिरकती सी चंचल सी, बींधना कहते हैं छेद डालना, बींधना का अर्थ क्या है? छेद डालना। बिख कहते हैं विष को या जहर को, बिख किसे कहते हैं? विष को या जहर को। और बूढ़ी सी कहते हैं डूबी हुई सी, विमोहित सी कहते हैं मोहित की गई, और टकी सी, ये टकी शब्द है, टकी सी मैंने बिना पलक गिराए देखना, टकटकी लगा कर, ये इसके शब्दार्थ है। तो देखो, इसको हम अब इसका अर्थ करके सुना देते हैं। देखो, जब ते कुमर कान रावरी कला निधान, कान परिवा के कहूँ सुजस कहानी से, कान परिवा के कहूँ सुजस कहानी। देखो, ये जो अवतरण है वह कवि देव द्वारा रचित काव्यांश से लिया गया है।
और देखो श्री कृष्ण के विषय में, ये श्री कृष्ण के बारे में सुनने से पूर्व राग दशा में राधा की स्थिति एक विचित्र प्रकार की हो गई थी। पूर्व राग दशा में राधा की स्थिति थी वो बहुत ही विचित्र प्रकार की हो गई थी, उसी का कवि ने यह वर्णन किया है। तो देखो क्या वर्णन किया कवि देव के वर्णनानुसार कोई सखी भगवान श्री कृष्ण से कहती है, क्या कहती है, जब ते कुमार कान रावरी कला निदान, कहती है कि हे कला की भंडार श्री कृष्ण, हे कला की भंडार श्री कृष्ण, जब से आपके सुवस के बारे में, हे कला के भंडार श्री कृष्ण, जब से आपके सुवस के बारे में राधा ने सुना है, सुवस के बारे में राधा ने सुना है, देखो कान परिवा के कहे, कान परिवा के कहूँ सुजस कहानी सी, तभी ते देव देखी देवता सी हसत सी, रीझती सी खींचती सी रूठ तरसानी सी। जब से आपके सुएस के बारे में राधा जी ने सुना है तभी से वे कवि, तो वे देवता सी, कवि हस्ती हुई सी, कवि देवता सी, कवि हस्ती हुई सी, कवि रीझती सी, कवि खींचती सी यानी नाराज सी, रूठती सी और कभी क्रोध करती हुई सी प्रतीत होती है। कौन? राधा। राधा है जो जब से श्री कृष्ण से कह रही है कोई सकी कि जब से तुम्हारे सुवेश के बारे में सुना है तब से राधा कभी तो वह हंसती हुई सी नजर आती है, कभी रीझती हुई सी नजर आती है, कभी खींचती हुई सी यानी नाराज सी, कभी रूठती सी, कभी क्रोध करती सी, ऐसी प्रतीत होती है। छोई सी, छली सी, छीनी सी, छोई सी, छली सी, छीन लीनी सी, छकी सी छीन, छोई सी, छली सी, छीन लीनी, छीन लीनी सी, छकी सी सीन, जकी सी चकी सी लागी थकी थैरानी सी, जकी सी चकी लागी चकी सी लागी थकी थैरानी सी। कभी कहते हैं कि कभी तो वह बेचैन सी दिखाई देती है, कभी क्षुब्ध, कभी छली हुई सी, कभी लुटी हुई सी, हारी हुई सी, परेशान सी प्रतीत होती है, अर्थात दिखाई देती है, प्रतीत होती है अर्थात दिखाई देती है। वह ऐसे लगती है, वैसे लगती है जैसे किसी ने, वह ऐसे लगती है किसी ने उसे बेद डाला हो या बांध दिया हो। वह कैसे लगती है? किसी ने उसे बेद डाला हो या बांध दिया हो। बींदी सी, बंदी सी, बिख बूढ़ी सी, विमोहित सी, बैठी बाल बकती, बैठी बाल बकती, बिलोकत बिकानी सी, बिलोकत बिकानी सी। तो देखो वह ऐसे लगती है जैसे किसी ने उसे बेद डाला हो या बांध दिया हो, वह थकी हुई सी, थकी हुई सी या विष में डुबोई हुई सी और मोहित की गई सी, बिकी हुई सी दिखाई देती है, बिकी हुई सी दिखाई देती है, बिकानी मतलब बिकी हुई सी दिखाई देती है। वह थकी हुई सी, विष में डुबोई हुई सी, मोहित सी मतलब किसी की तरफ, किसी से प्यार हो जाना, मोहित मतलब मोह हो जाना, किसी से लगाव हो जाना, मोहित सी और बिकी हुई सी दिखाई देती है अर्थात प्रतीत होती है। वह बाला
वो जो राधा है वह बकवास करती हुई सी, बाल बिकति बिलोकति बिकानी सी, वह बकवास करती हुई सी, बिकी हुई सी लगती है। वह आपके हर समय ध्यान में डूबी रहती है, आपकी याद में खोई रहती है। कौन? राधा। इसमें क्या है, इसमें राधा की जो हाव भाव चेष्टा हैं उनका वर्णन किया गया है और राधा की उन्माद अवस्था का मार्मिक वर्णन किया गया है। इसमें कवि की जो कल्पना शक्ति है, वो जो प्रतिभा है, उसका परिचय भी मिल रहा है। इसमें उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और मनहरण कवित छंद का भी प्रयोग किया गया है। तो देखो बच्चों, अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, टॉपिक नहीं सॉरी दूसरा पद्यांश लेते हैं इसी टॉपिक का। एक बार मैं पढ़ता हूँ उसको। राधिका कान को ध्यान धरे तब, राधिका कान को ध्यान धरे तब, कान है राधिका के गुण गावे। राधिका कान को ध्यान धरे तब, कान है राधिका के गुण गावे, कान है राधिका के गुण गावे, त्यों अशिवा बरसे बरसाने को, त्यों अशिवा बरसे बरसाने को, पाती लिखे लिखी राधिका ध्यावे। राधे है जावत है छिनमे वह, राधे है जावत है छिनमे वह, प्रेम की पाती ले छाती लगावे। आपो में आपन ही उर्जे, आपो में आपन ही उर्जे, सुर जय विरुझे समझे समझावे, सुर जय विरुझे समझे समझावे। तो देखो इसके कठिन शब्दार्थ हैं। कान कहते हैं कृष्ण को, कान किसे कहते हैं? कृष्ण को। ध्यान धरे मतलब याद करना, अश्वा का मतलब होता है आंसू, पाती का मतलब होता है पत्र, उर्जय का मतलब उलझना, सुरजय का मतलब सुलझना और ब्रजय का मतलब उलझती है, ब्रजय का मतलब उलझती है। तो देखो इसका हम अर्थ करते हैं, इसका देखो क्या है, ये जो अवतरण है ये कवि देव द्वारा रचित है। इसमें क्या है, जो श्री कृष्ण होते हैं तो श्री कृष्ण का ध्यान रखते हुए, ये ध्यान करते हुए राधा जब पत्र लिखती है तो उसकी स्थिति का वर्णन किया गया है, या उस कवि ने उसका यहाँ वर्णन किया है, कवि देव ने यहाँ उसका वर्णन किया है। जब राधा श्री कृष्ण का ध्यान रखती हुई पत्र लिखती है तो उसकी स्थिति क्या होती है, इसी का वर्णन यहाँ कवि ने किया है। देखो, राधिका कान को ध्यान धरे तब, राधिका कान को ध्यान धरे तब, कान है राधिका के गुण गावे। राधा प्रियतम श्री कृष्ण का ध्यान करती हैं, अर्थात याद करती हैं, प्रियतम श्री कृष्ण को याद करती हैं तो वह इतनी तल्लीन हो जाती है कि वह सब कुछ भूल जाती है। राधा जब श्री कृष्ण का ध्यान करती हैं तो वह इतनी तल्लीन हो जाती है कि सब कुछ भूल जाती है और कि वह राधा है, वह अपने आप को भी भूल जाती है, राधा को ही भूल जाती है। और वह स्वयं को श्री कृष्ण समझ बैठती है, स्वयं को क्या, श्री कृष्ण समझ बैठती है, तब वह स्वयं अपने गुणों का बखान करने लग जाती है, और अपने गुणों का बखान करने लग जाती है। त्यों अशवा बरसे बरसाने को, त्यों अशवा बरसे बरसाने को, पाती लिखे लिखी राधिका ध्यावे। देखो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, त्यों अश्वा बरसे मतलब उसकी आंख से आंसू बरसने लगते हैं, और बरसाने को, और वह बरसाने को पत्र लिखती है, आंसू बरसने लगते हैं उसकी आंखों को और बरसाने को पत्र लिखती है, और लिखकर राधिका के बारे में
सोचने लगती है। राधा खुद राधिका के बारे में सोचने लगती है। फिर वह राधा वह जावत है छिन में वह प्रेम की पाती ले छाती लगा दें। फिर वह क्षण भर में राधा बन जाती है। उसे ध्यान आ जाता है कि श्री कृष्ण नहीं है। वह प्रेम की पाती को अपने सीने से लगा लेती है, मतलब प्रेम का जो प्रेम पत्र लिखा हुआ है उसे अपने सीने से लगा लेती है। प्रेम भाव से वह भाव विभोर हो जाती है और वह अपनेपन को भी भूल जाती है। वह अपनेपन को भी भूल जाती है। आपो में आपन ही उर्जे सुरजे व्रजे समझे समझावे। वह कभी तो स्वयं को श्री कृष्ण समझ लेती है और कुछ देर बाद वह फिर समझ जाती है और स्वयं को फिर राधा समझती है। इस प्रकार वह अपने आप में अपने आप उलझन में पड़ जाती है। कभी वह अपनी उलझन को अपने से दूर करती है, कभी फिर उसमें उलझती है और फिर स्वयं को समझाती है। तो देखो, कवि ने स्वयं को कृष्ण समझ लेने और फिर राधा ही मान लेने के बारे में वर्णन करके ये दर्शाया है कि राधा के ध्यान में अत्यधिक तल्लीन हो जाती है। राधा स्वयं अपने ध्यान में तल्लीन हो जाती है और अपनेपन को अपने को भूल जाती है, अपने को कृष्ण समझ बैठती है, फिर अपने को राधा समझ लेती है। तो ये स्थिति उसकी बनती रहती है। उसे अपनेपन का भी ध्यान नहीं रहता। उसमें अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो देखो बच्चों, ये मैंने आपको पढ़ करके सुना है और आपकी समझ में भी आ गया होगा। धन्यवाद।